जय जिनेन्द्र, थोड़ा सा आगे चलते हैं और जैन दर्शन में मैं थोड़ा सा कठिन ताकि ओर जा रहा हूँ, जहाँ पर वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जैनिज्म में तीन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है, मनसा वचसा कायसा, मन से वचन से काया से भाव। आपके मन में किसी के प्रति थोड़ा सा नकारात्मक नेगेटिव थॉट जनरेट हो गया या नेगेटिविटी आ गई, मतलब आप एक तरीके से आपने गलती कर दी है ना, वचन से भी कह दिया उसको और कर्म से भी कर दिया, तो वो पूरा पाप हो गया, मतलब वो पाप माना जाएगा। तो जैनिज्म में 12 भावनाएं हैं। अब वो 12 भावनाएं कौन सी है उन्हें मैं बताना चाहूंगा। पहली है अनित्य भावना। अनित्य भावना मीन्स नथिंग इज इमॉर्टल, कोई भी चीज इमॉर्टल नहीं है, ठीक है, सभी को जाना है। राजा राणा क्षत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। राजा राणा क्षत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। देखिए, ये अभी जो एक गीत चल रहा है, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काजी, ओ कायागार से काजी। दूसरा है अशरण भावना। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। तीसरा है संसार भावना। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा अवश्य धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखियो जान। दान के बिना निर्धन दुखी है, तृष्णा के बिना, तृष्णा के वश में धनवान है, कहूं न सुख संसार में, संसार में कहीं सुख नहीं है, सब जग देखियो छान, पूरा जग घूम लिया है कहीं पर सुख नहीं है। एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे, आदमी अकेला आता है, मरे अकेला हो जाता भी अकेला है, यो कब हो या जीव को साथी सगा न को, किसी भी जीव के साथ कोई साथी सगा नहीं गए। अन्यत्व भावना पांचवी जो है, अन्यत्व भावना है, जहां देह अपनी वहां नहीं तहां न अपनों को है, जहां अपना शरीर नहीं वहां अपना कोई भी नहीं है। आपके जाते ही तीसरे दिन 13वें दिन और कोरोना संक्रमण काल ने तो बता दिया कि आपके जाते ही उसी समय आपका कोई मतलब नहीं है, आपके पास भी कोई फटकने वाला नहीं है। घर संपत्ति पर प्रकट ये पर है परिजन लोग लोय, है ना, आप जो धन संपत्ति छोड़ के जा रहे हो, जो पीछे छोड़ के जा रहे हो, सब उसी से लिपटे चिपटे पड़े रहे। अशुचि भावना। दीपे दीपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा देह, क्या गजब की बात है। देखिए, ये जो आत्मा है हाड़ पिंजरा के पिंजरे के अंदर रखी हुई है, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गे है। आश्रव भावना सातवीं जो है, आश्रव भावना है, जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर, सब लूटे नहीं दीसता कर्म चोर चहोर। संवर भावना। मोह नींद जब उपशमे, जब मोह की निद्रा, जब डिटीज होते हैं किसी चीज से, जब मोह से दूर होते हैं, सदगुरु देव दे जगाए,
जो सदगुरु है, जो सत्संग है, संतों की संपर्क में जब आते हैं तो वो आपको जगा देते हैं। कर्म चोर आवत रुके, कर्म रूपी चोर आना रुक जाते हैं तब कुछ बने उपाय, तब जाके ऊपर की जो सात भावना है उनसे बचने के उपाय प्रारंभ होते हैं। नवा है निर्जरा भावना, ज्ञान दीप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं पैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सा। निर्जरा भावना जब ज्ञान का दीप जल जाता है, ठीक है, तब आप अपने आप को शोधते हैं, अपने आप की खोज करते हैं, फिर भी आपके अंदर का जो चोर एकदम निकल नहीं पाता है। पंच महाव्रत संचरण, जब तक आप पांच महाव्रतों का अंगीकार नहीं कर लेते, समिति पंच प्रकार, समिति और गुप्ती पंच प्रकार उसको अपने अनुकरण में नहीं ला लेते हैं, ला देते हैं, प्रबल पंच इंद्री जब तक इंद्रियों का निग्रह नहीं कर लेते हैं तब तक विजय नहीं मिलती है, आत्मा मुक्त नहीं होती, धार निर्जरा सा, और तब जाके आपकी कर्मों की निर्जरा होती है। लोक भावना, चौदह राजु उतंग नभ, लोग पुरुष संठान, तामे जीव अनादि ते भ्रमत है बिन ज्ञान। अगर आप भ्रम में हैं तो आप भटकते रहेंगे 84 लाख जीव योनियों में, भटकना ही है। बोध बोध ही दुर्लभ भावना, ज्ञान, धन जन कंचन राज सुख, सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बाकी सारी चीजें आपके जितने भी उपभोक्तावादी जितनी भी चीजें हैं वो सब तो आपको मिल जाएगी, पर जो ज्ञान है, यथार्थ जो ज्ञान है वो आपको नहीं मिलेगा। बारवा है धर्म भावना, याचे सुर तरु देख सुख, चिंतित चिंता रेन, बिन याचे बिन चिंतिये धर्म सदा सुख देन। तो ये 12 भावना है, इनके बारे में विस्तृत से समझाया जाएगा अगले इसमें। धन्यवाद।